Hi friends, welcome to second round LDC classes. In this class we are going to see how to fill a EFT. How to fill an EFT. आज हम लोग इस क्लास में थोड़ा हट के जानने की कोशिश करेंगे कि जो EFT होता है, एक्सेस फेयर टिकट जो होता है, जो बुक होता है, जो टिकट एग्जामिनर TTE, TCSM द्वारा जो भरे जाते हैं, जब कोई फाइन पेनाल्टी लिया जाता है तो उसमें क्या क्या चीज़ लिखना पड़ता है, क्या क्या चीज़ फिल करना पड़ता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से मॉडल है, दिस इज द मॉडल ऑफ EFT, एक्सेस फेयर टिकट। EFT में क्या होता है, आप जिस रेलवे का EFT है वो रेलवे का नाम होगा, जैसे साउथर्न रेलवे का तो S रेलवे लिखा हुआ है, उस पर एक्सेस फेयर टिकट लिखा रहता है। अगर EFT है तो एक्सेस फेयर टिकट रहेगा, BPT है तो ब्लैंक पेपर टिकट रहता है, उस पर लिखा हुआ रहता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है। उसके बाद उसका अपना एक नंबर होता है, वो रहता है, वह EFT लोकल है या फॉरेन है वो मेंशन रहता है, ठीक है ना। उसके बाद है डेट ऑफ इशू लिखना रहता है, अपना एक नंबरिंग है, स्टेशन नेम, ट्रेन नंबर, कलेक्टेड एट मतलब फाइन कहाँ पे लिया जा रहा है, टिकट और गार्ड सर्टिफिकेट अगर उसके पास पहले से है पैसेंजर के पास, वो नंबर कहाँ से कहाँ तक का था, वो किस क्लास का था, वो लिखना पड़ता है। फिर नया जो हम लोग EFT देंगे उसको काट के, वो कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम टू, किस रूट से देंगे, किस क्लास का दे रहे हैं और रीजन क्या देना है, मतलब क्या किस कारण से हम दे रहे हैं, ठीक है, वो लिखना पड़ता है, ठीक है। यह आपका एक बॉक्स है। EFT के द्वारा सिर्फ हम लोग पेनाल्टी पैसेंजर का ही नहीं, हम लोग लगेज वगैरह का भी पेनाल्टी बनाते हैं, गार्ड सर्टिफिकेट को एक्सचेंज करने के लिए भी EFT इशू करते हैं, ठीक है ना। तो EFT जर्नी एक्सटेंशन के लिए भी करते हैं, ब्रेक जर्नी इंडोर्समेंट के लिए भी करते हैं, इसीलिए सब में EFT का यूज़ होता है, इसीलिए ये मेंशन है, टोटल वेट क्विंटल में, केजी में कितना, फ्री अलाउंस कितना है, एक्सेस वेट कितना है, वेट चार्जेबल कितना है, अगर फेयर है तो फेयर कितना है, एक्सेस फेयर कितना है, लगेज फ्रेट कितना है, टोटल कितना है, और वो जो टोटल यहाँ पे अमाउंट होगा उसको वर्ड में यहाँ पे लिखना है, सिग्नेचर करना है, स्टाम्प लगाना है, नेम ऑफ द पैसेंजर लिखना है, अगर इंडोर्समेंट दे रहे हैं तो इंडोर्समेंट फॉर द ब्रेक जर्नी वो लिखना है, ठीक है। तो मोटा मोटी तौर से एक EFT में ये सारे डिटेल्स भरे जाते हैं, होते हैं। अब यह क्वेश्चन हो रहा है कि इस EFT को भरेंगे कैसे, इस EFT को भरेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए कि कोई पैसेंजर चेन्नई एगमोर चढ़ा, लोकल ट्रेन की ही बात कह रहे हैं, ठीक है। तो कोई पैसेंजर चेन्नई एगमोर चढ़ता है, ठीक है, और पर्वन दांगल, हम अपने ही स्टेशन की बात कह रहे हैं, तो कोई पैसेंजर चेन्नई एगमोर चढ़ा विदाउट टिकट था, बिना टिकट का चेन्नई एक मोड़ में चढ़ा और पर्वन दांगल में उसे TT जो है पकड़ लिया। अब यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि वह TT उस पैसेंजर से कितना पैसा लेगा। सपोज ए पैसेंजर बोर्ड द ट्रेन एट चेन्नई एक मोड़ एंड द TT ऑफ पर्वन दांगल कैच डेट पैसेंजर, हाउ मच पेनाल्टी हैज बीन कलेक्टेड बाई डेट पैसेंजर, उस पैसेंजर से कितना पेनाल्टी कलेक्ट किया जाएगा। तो पर्वन दांगल से MS मतलब होता है चेन्नई एगमोर से PJD, पर्वन दांगल का जो भाड़ा है, फेयर है, ₹5 है। MS PJD चेन्नई एगमोर से पर्वन दांगल का जो फेयर है वो कितना है, ₹5, ठीक है। आपको हम पहले भी बताए थे कि सेक्शन 138 के द्वारा जो है TTE हैज पावर टू इम्पोज द पेनाल्टी मिनिमम 250 एंड बेस फेयर विच एवर इज हायर, ₹250 मिनिमम पेनाल्टी है और या उसका बेस फेयर, दोनों में से जो ज़्यादा होगा वह पेनाल्टी हम लोग एक्सेस फेयर के रूप में ऐड करते हैं। अब समझिए यहाँ, चेन्नई एगमोर से पर्वन दांगल का जो फेयर है वो ₹5 है, रुपीज क्या है, 5 है, तो फेयर में हम 5 लिखेंगे। एक्सेस फेयर जो है
एक्सेस फेयर का मतलब होगा कि मिनिमम हमको 250 लेना ही लेना है, मिनिमम 250 पेनाल्टी लेना ही लेना है। अगर बेस फेयर 250 से अधिक है तो एक्सेस फेयर में हम 250 नहीं लिखेंगे, उसमें हम क्या करेंगे 250 से ज्यादा वाला जो बेस फेयर है वो हम उसको लिखेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे बेस फेयर कितना है 5 रुपीज है, विच इज लेस देन 250, सो आवर एक्सेस फेयर इज रुपीज 250। टोटल कितना हो जाएगा 255। मतलब उस पैसेंजर से हम लोग कितना पैसा लेंगे 255 रुपये। अब इसी को यहाँ पे लिख देंगे ₹200 ओनली, ठीक है ना, ₹255 ओनली। यहाँ पे आप अपना क्या कर दीजिए, सिग्नेचर कर दीजिए, और यहाँ पे अपना स्टेशन का जो मुहर है स्टाम्प है वो लगेगा। तो हम भर लीजिए कि फेयर कितना होगा, तो फेयर हमको पता है कि एगमोर से चेन्नई एगमोर से पर्वतनगर का 5 रुपये, इसलिए 5 रुपये लिखे हैं। एक्सेस फेयर 250, चूंकि फेयर से कम है इसलिए 250 एक्सेस फेयर होगा, ये इतना पेनाल्टी लेंगे। अब देखिए किस डेट को इशू कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि आज की डेट अक्टूबर 1 को हम इशू कर रहे हैं, वो डेट डाल दिए। स्टेशन नेम वो जो टीटी है किस स्टेशन, मतलब किस कहाँ के टीटी हैं, वो चेन्नई डिवीजन के हैं, मदुरई डिवीजन के हैं, किस डिवीजन के हैं, तो पर्वतनगर चेन्नई डिवीजन में पड़ता है, इसीलिए स्टेशन नेम में जो है आप यहाँ पे मास कर सकते हैं। नहीं तो जो है अगर वो टीटी, देखिए अगर वो एस्कॉर्ट टीटी है, एस्कॉर्ट टीटी का मतलब होता है कि वो अपने सेक्शन में चलते हैं, तो अगर एस्कॉर्ट टीटी है तो हेडक्वार्टर लिखेगा। जैसे मान लीजिए कोई एस्कॉर्ट टीटी है तो अगर वो चेन्नई डिवीजन का है तो यहाँ पे चेन्नई डिवीजन लिखेंगे, मास उसका कोड होता है, चेन्नई डिवीजन लिखेंगे। अगर कोई प्लेटफॉर्म टीटी है, अगर कोई प्लेटफॉर्म टीटी है तो वह प्लेटफॉर्म टीटी जो है अपने स्टेशन का नाम लिखेगा, ठीक है। हम मान लेते हैं कि वह टीटी पर्वतनगर का है तो उसका कोड क्या है, PZA। किस ट्रेन में पकड़े गए थे, तो लोकल ट्रेन मान लीजिए 40620 है, मान लेते हैं। फाइन कहाँ लिया जा रहा है, पर्वतनगर ही लिया जा रहा है, PZA, मतलब फाइन जहाँ पे लिया जाएगा। अगर वो स्कॉट टीटी होते हैं तो सेंट्रल डिविजनल स्कॉट टीटी होते हैं तो सेंट्रल MAS लिखते, कलेक्टेड एंड फाइन कहाँ लिया जा रहा है, पर्वतनगर में PZA आ रहा था। लेकिन यह प्लेटफॉर्म टीटी है वो पर्वतनगर स्टेशन के ही है, फाइन भी पर्वतनगर में रहता है, PZA हो गया, इसका जरूरत नहीं है। टिकट गार्ड सर्टिफिकेट वो है नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब देखिए हमको आगे का जर्नी एक्सटेंशन नहीं देना है, क्योंकि वो पैसेंजर जो है आगे का जर्नी नहीं मांग रहा है, उसको पर्वतनगर ही उतरना था इसीलिए आगे नहीं जाना चाह रहा है, तो यह इसको इस कॉलम को हम नहीं भरेंगे, समझिए। इस कॉलम को यह कॉलम है जब गार्ड सर्टिफिकेट एक्सचेंज करना हो या टिकट नंबर पहले से हो तो उसको इसमें लिखेंगे, नहीं है तो खत्म है। यह जो कॉलम दिया जाता है, यह जो कॉलम दिया गया है, यह दिया जाता है जैसे कोई पैसेंजर जो विदाउट टिकट ट्रेन में है, वह पर्वतनगर में पकड़ा गया, उसको कन्याकुमारी जाना है, मदुरई जाना है, त्रिची जाना है, तो उस कंडीशन में हम लोग एक्स्ट्रा फेयर लेके जो है इसको भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो विदाउट टिकट पकड़ा गया है, उसको आगे नहीं जाना है, इसीलिए जो है इस कॉलम को छोड़ेंगे। रीजन फॉर चार्ज, हम उससे पेनाल्टी क्यों ले रहे हैं, तो वह विदाउट टिकट है, WT है, विदाउट टिकट है, वो क्या है, विदाउट टिकट है, ठीक है ना। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन फॉर चार्ज विदाउट टिकट, ठीक है। मान लीजिए वो पैसेंजर का नाम राम है, तो यहां पे राम लिख देंगे, RAM, ठीक है ना। तो मोटा मोटी तौर से एक EFT में इसी तरह से लिखेंगे, कहने का मतलब EFT में क्या लिखते हैं, बेस फेयर जो उसका फेयर है प्लस एक्सेस चार्ज जो उसे लेना है। जैसे मान लीजिए चेन्नई बीच से चेंगलपट्ट का भाड़ा फेयर जो है 15 रुपीज है, अगर कोई विदाउट टिकट पकड़ा जाएगा तो उसे पेनाल्टी कितना लगेगा, तो पेनाल्टी उसे लगेगा 15 प्लस 250, इसी को ऐड कर देंगे हमारा पेनाल्टी निकल जाएगा, ठीक है ना।
तो यहाँ जो है एक मोटा मोटी तौर से एक इंफॉर्मेशन है ईएफटी कैसे फिल करना है, ठीक है ना। फाइन इसी तरह से कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई एक पर्सन जो है विदाउट टिकट पकड़ा जा रहा है त्रिची में, त्रिची का मतलब टीपी जो कोड होता है उसका, मान लीजिए फेयर बेस फेयर जो है 320 रुपया है। एक्सेस चार्ज कहता है कि बेस फेयर और एक्सेस चार्ज दोनों में जो सबसे अधिक होगा उसको हम एक्सेस चार्ज के रूप में लेंगे। तो यहाँ बेस फेयर कितना है 320 है, तो एक्सेस चार्ज कितना लेंगे 320 ही लेंगे। इसका मतलब है कि 640 उसका पेनाल्टी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए एक ताम्रम टीवीएम होता है, ताम्रम मान लीजिए 10 रुपया है और विदाउट टिकट पकड़े गए हैं, तो यहाँ एक्सेस चार्ज कितना हो जाएगा, बेस फेयर हो गया 10 रुपया, एक्सेस चार्ज 260 रुपये, उससे फाइन हम लोग कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो एक मिनिमम हमको एक्सेस चार्ज कितना लेना है 250 लेना है। तो आज हम लोग देखे हैं कि ईएफटी कैसे फिल करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।